अपने क्लाइंट से भी शेयर किया कि एक नेक्स्ट मूव के लिए तैयार है, उसके लिए मैं स्प्रेड दे रहा हूँ या डिलीवरी से लेना है। स्टॉक है BEL बेल, 200 रुपए का एक कॉल लेना है और 220 का एक कॉल भेजना है, 1:1 स्प्रेड बनाना है, या फिर आप डिलीवरी में उठाइए उठाइए स्टॉक को। इसका फ्यूचर इसलिए दीपांशु, एक तो 5600-5700 का इसका लॉट है और लॉट साइज बड़ा है। अगर मैं ये जो स्प्रेड बनेगा ये 9-9.5 रुपए में बनेगा, अगर 9 रुपए में हमारे को 4-5 रुपए भी मिल जाते हैं तो ये 25,000 रुपए बनते हैं एक लॉट में, क्योंकि लॉट साइज बहुत बड़ा है। यहाँ से अगर 5-7-10 रुपए की मूव भी आ गई, जिसके चांसेस पूरे मुझे दिख रहे हैं कि अब ये 220-225 की तरफ जा सकता है, तो 200 की एक कॉल लेनी है, 220 की एक बेचनी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये 1:1 स्प्रेड है, 1:2 नहीं है। बहुत बड़ा महीना है, 9-9.5 रुपए की कॉस्ट है, 209 रुपए, 10 रुपए ही फ्यूचर चल रहा है। तो वर्चुअली यू आर बाइंग फ्यूचर विद ए लिमिटेड रिस्क एंड स्टॉप लॉस। वो जो मेंटल स्टॉप लॉस है ना दीपांशु, के ऊपर नीचे होके, मैं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ दीपांशु, लर्निंग सबके लिए। पिछले महीने हमने जिंदल का एक स्प्रेड दिया था जिसका भाव था 840 रुपये और 134 रुपये की कॉस्ट थी, वो 860 वाला 770 आ गया था, 90 रुपये का फॉल उसमें देखा, और 770 वाला वापस आखिरी 2-3 दिनों में 860 रुपये था। तो दीपांशु, मुझे जब मेरे दिमाग में था कि 34 रुपये से ज्यादा मेरे को लॉस नहीं हो सकता, तो 860 में जो खुशी तो अधूरी रह गई, वो 770 में भी पैनिक नहीं आया। यानी तो 100% किसी का 30 रुपये का स्टॉप लॉस, 20 रुपये का, 40 रुपये का, अगर कोई बोले 70-70 रुपये के स्टॉप लॉस नहीं हो सकते। इसमें स्टॉप लॉस 9 रुपए का है, लेकिन वो वर्स्ट केस, क्योंकि लॉट साइज बड़ा है तो वो भी अपने आप में बड़ा अमाउंट हो जाता है। बट मुझे लगता है कि बेल अच्छा करना चाहिए, अभी सिद्धार्थ ने भी ये कॉल दी है और फंडामेंटली तो अच्छा है ही, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये इसमें एक टेक्निकल ब्रेकआउट भी आया है, और आजकल आपको पता है कि जो सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं